अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आज की क्लास में हम डबलिंग टाइम मालूम करना सीखेंगे। पार्ट नंबर में एक क्वेश्चन है, इफ द बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री इज 3%, यानी जो बर्थ रेट है वो 3% है एंड डेथ रेट इज 1%, और जो डेथ रेट है वो 1% है। कैलकुलेट द डबलिंग टाइम फॉर द कंट्री, कैलकुलेट करें डबलिंग टाइम कंट्री के लिए। ये क्वेश्चन 2014 रेगुलर कराची बोर्ड के पेपर में आया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डबलिंग टाइम क्या होता है। डबलिंग टाइम द नंबर ऑफ द ईयर्स इट टेक्स अ पॉपुलेशन टू बी डबल, यानी किसी भी पॉपुलेशन को डबल होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, इसको हम डबलिंग टाइम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्रोथ रेट यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है नेचुरल इंक्रीमेंट। अब ये नेचुरल इंक्रीमेंट क्या है, इसका मतलब है बर्थ माइनस डेथ रेट, इसमें प्लस माइनस कर दे नेट माइग्रेशन को तो ये आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ रेट क्या है। तो पहले तो हमें डबलिंग टाइम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो डबलिंग टाइम का फॉर्मूला है 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट, और अब ग्रोथ रेट निकालना है जिसके लिए हमें नेचुरल इंक्रीमेंट चाहिए। हमें यहाँ बर्थ रेट दिया हुआ है सवाल में, बर्थ रेट कितना है 3%, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3%, माइनस कर देता हूँ डेथ रेट जो कि 1% है। तो इससे मुझे क्या मालूम हो जाएगा, नेचुरल इंक्रीमेंट मालूम हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस नेट माइग्रेशन कर देता हूँ। अच्छा, ये प्लस माइनस नेट माइग्रेशन क्या है, देखो मुल्क छोड़कर लोग जाते हैं ओवरसीज, जैसे पाकिस्तान से बाहर में मालिक लोग जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, और मुल्क के अंदर लोग आते हैं काम करने के लिए। तो जो मुल्क के अंदर लोग मिसाल के तौर पर आ रहे हैं 2%, और मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं 3%, तो इसका मतलब पाकिस्तान की आबादी में 1% जो है माइग्रेशन की वजह से क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस तरह अगर 5% लोग पाकिस्तान आ रहे हैं काम करने के लिए या रहने के लिए, और 4% या 3% लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क यूएई अमेरिका वगैरह जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2% जो है ये हमारे पास इजाफा हो रहा है माइग्रेशन में, तो इसको प्लस करेंगे। तो नेट माइग्रेशन को समझना अब आसान हो गया कि अगर ज्यादा लोग जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर 3% लोग जो है वो आउटफ्लो हो रहा है उनका, और 2% लोग जो है मुल्क में आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1% जो है ये माइनस में आपका नेट माइग्रेशन आएगा। लेकिन अगर 5% लोग मुल्क में आ रहे हैं काम करने के लिए और 3% लोग मुल्क से जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2% जो है प्लस में माइग्रेशन आएगा। लेकिन यहाँ इस सवाल में इसकी कोई नीड नहीं थी, लिहाजा मैं यहाँ 0 लिख देता हूं। अब मेरे पास 3% माइनस 1% 2% ग्रोथ रेट आ जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% आ जाएगा। अब मैं यही डबलिंग टाइम का फॉर्मूला यूज करता हूं जो कि है 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। अब 70 ग्रोथ रेट हमारे पास 2% है, जिसके लिए 2 लिख देता हूं, तो ये मेरे पास 35 ईयर्स आंसर आ जाएगा, जिसमें हमारे मुल्क की जो आबादी है यानी किसी भी मुल्क की आबादी है वो डबल हो जाएगी। ऐसा मुल्क जिसका बर्थ रेट 3% है और जिसका डेथ रेट 1% है, तो उसकी आबादी 35 साल में डबल हो जाएगी।